So, dear students, we will be starting today with the deductions to be made from GTI while computing the total income. So, let us start with the aspect and I'll be highlighting the main points so that you're able to do it well from your book. So, first of all, under section 80A, we have the rules or the principles of deduction. That it will be allowed only under deductions, they range from section 80C to 80U. The deductions amount cannot exceed GTI. Gross total income से ज़्यादा की deduction नहीं हो सकती है, जितनी GTI है वहीं तक restrict करनी पड़ेगी. And deductions are not allowed against short term capital gain and long term capital gain. Short term capital gain और long term capital gain के against deduction नहीं मिलती. कौन सी डिडक्शंस? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये याद रखना है. एंड इस चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी नहीं मिलती और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी डिडक्शन नहीं मिल रही. एंड इफ़ देर इज़ एन AOP BOI, तो दे इफ़ इन पर इन दैट कैटेगरी ये डिडक्शंस इन सेक्शन की अगर AOP BI को मिल गई हैं तो एक इंडिविजुअल उसको क्लेम अपनी पर्सनल असेसमेंट में नहीं कर सकता. सिमिलरली यहाँ पर ये कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शन 10AA IARRB. तो व्हेन दीज डिडक्शंस आर अलाउड अगेंस्ट द स्पेसिफिक इनकम, अगर एक सेक्शन के अंडर टैक्स में आपको इन सेक्शंस के अंडर डिडक्शन मिल गई हैं तो रिगार्डिंग द सेम इनकम आप किसी और सेक्शन के अंडर अपनी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं. सो ये मेन हमारे जो रूल्स हैं वो हमें देखने हैं, इनको पढ़ना है आपने. देन देयर इज़ डिडक्शन रिगार्डिंग सर्टेन पेमेंट्स. सो 80C, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 80C का. 80C की डिडक्शन किसे मिलती है? हु इज़ इंटाइटल टू डिडक्शन? सो इंटाइटल टू डिडक्शन इज़ इंडिविजुअल बी और HUF भी. कितनी? अप टू 1,50,000 रुपीज़ तक. अब कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है जिनके कारण हमें डिडक्शन मिलेगी? तो ये मिलेगी इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए. किसके ऊपर इंश्योरेंस किसकी हो सकती? अपनी करवा लो, स्पाउस की करवा लो, बच्चों की करवा लो. एंड टू थिंग्स यहाँ पर अब याद रखनी है हमने कि पहले प्रोविज़न होती थी कि सिर्फ टैक्सेबल इनकम में से ही हमें ये इन्वेस्टमेंट्स करनी है. अब इवन हम अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम, जिसका एग्जांपल एक ले लेते हैं चलो एग्रीकल्चरल इनकम, कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम में से भी हमने इन्वेस्टमेंट की है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है, तब भी हमें डिडक्शन मिल जाएगी 80C की. और जब हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो मेजर माइनर का कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं किया गया क्रिएट, तो कोई भी बच्चे के लाइफ के ऊपर अगर किया गया है तो इन दैट केस तब भी डिडक्शन मिल जाएगी. बट हेयर इज़ सर्टन रूल. इस रूल को मैं टेबल फॉर्म में यहाँ पर आपको बताती हूँ, तो ये आपने इस चीज़ को समझना है. सो लेट मी मेक अ टेबल ओवर हेयर. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने पॉलिसी का टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2012, अगर 1 अप्रैल 2012 से बिफ़ोर यानी कि इससे पहले आपने पॉलिसी ले ली हुई है, तब हम लोगों का ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन यानी कि 80C के लिए कितना डिडक्शन के लिए एलिजिबल अमाउंट होगा, तो इट वुड बी अमाउंट पेड एज प्रीमियम और 20% ऑफ सम एश्योर्ड. ये 20% ऑफ सम एश्योर्ड, जैसे सपोज करो पॉलिसी इज 1 लाख की है, 1 लाख की है, तो 20% ऑफ 1 लाख इज 20,000 और आपने प्रीमियम पे किया 15,000 का, तो 15,000 और 20,000 विच एवर इज लेस, दिस विल क्वालिफाई फॉर 80C. तो 80C के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो ये है. अब जैसे जैसे हम डेट चेंज कर रहे हैं, ये था बिफोर 1 अप्रैल 2012, अब बिफोर की जगह पे कर देते हैं आफ्टर. तो आफ्टर 1 अप्रैल 2012 में रूल में क्या चेंज आया, तो वो यही है सेम, बट यहाँ पर परसेंटेज 20 जगह पे हो गया 10%. तो ये याद रखना है, रूल इज़ सेम, जस्ट द परसेंटेज चेंज. एंड आफ्टर दिस डेट एंड देन एक और डेट यहाँ पर चेंज करनी है अगले रूल के लिए,
2013, लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर द पर्संस हु हैव डिसेबिलिटी। ये 2013 की, 1 अप्रैल 2013 की ऑन और आफ्टर वाली जो प्रोविज़न है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द पर्सन हु हैव डिसेबिलिटी और द वंस हु स्पेसिफाई डिजीज़ विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80DDB। 80DDB सेक्शन आगे आएगा तो यू विल बी एबल टू नो अबाउट दैट। तो द रूल स्टैंड सेम, बट बस परसेंटेज चेंज हो जानी है। परसेंटेज यहाँ पर आ जाना है 15% ऑफ सम एश्योर्ड। तो इसको आपने एक बार अपना रिवाइज कर लेना एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये हो जाता है आपको लर्न, प्रोवाइडेड यू रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड यू विल बी एबल टू डू। ओके, सो कमिंग अप नेक्स्ट इज दैट वी हैव वेयर अगेन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनुटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनुटी किस पे लिया गया? लाइफ ऑफ सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन पे। सो दिस इज़ ऑल्सो एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C। देन द नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, एनी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी पेबल ऑन बिहाफ ऑफ और बाय ऑन और बिहाफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, सिक्योरिंग डेफर्ड एनुटी। और यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट जो है वो अप टू 20% ऑफ सैलरी है। देन वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स। माइंडेड, प्रोविडेंट फंड में सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को हमने कंसिडर नहीं करना, बाकी प्रोविडेंट फंड्स कंसिडर हो जाएंगे यहाँ पे, ओनली अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कंसिडर नहीं होगा। और ये एक नोट है, इस नोट को अच्छी तरह पढ़ लें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो क्वालिफाई कर सकता है 80C में, दैट इज़ 1,50,000 रुपीज़। तो चाहे आपने अपने अकाउंट में डाला हो या माइनर बच्चे के अकाउंट में डाला है, लेकिन अगर दोनों के अकाउंट में 1.5 लाख डाला है तो वो इकट्ठा 3 लाख नहीं बन जाएगा क्वालिफाइंग अमाउंट, बिकॉज लिमिट 1,50,000 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। देन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। माइंड इट, हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दीज? हम खुद कर रहे हैं, हम मतलब वी आर एम्प्लॉयज़, वी आर इंडिविजुअल्स, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दीज फंड्स। सो इफ दीज फंड, और ये वाले में तो खासकर सिर्फ इफ़ यू आर इन द एम्प्लॉई कैटेगरी, मतलब कहीं सैलरी एग्रीमेंट के अंडर आप लगे हुए हो कहीं पे, ओनली देन कॉन्ट्रीब्यूशन इन फंड्स में होता है। तो दैट इज़ वाई कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉई। देन इज़ इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड इन सर्टन डिपॉजिट स्कीम विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ 80C। NSE का 8th issue है या 9th issue है? 8th issue आपका 5 years के टर्म वाला होता है और ये 9th issue 10 years टर्म प्लान है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का। देन कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूलिप, यूलिप इज़ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ UTI, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन की है। अगेन सेल्फ, स्पाउस और बच्चे, है ना, द सेम डेफिनेशन इज कॉन्टिन्यूइंग। देन इज दिस वॉज यूलिप ऑफ UTI, देन इज यूलिप ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। सो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है धन रक्षा का, सो दिस वन। देन एनी एनुटी प्लान ऑफ LIC, जीवन धारा, न्यू जीवन, अक्षय, ये सारे के सारे पॉलिसीज़ के नाम दिए हैं इफ़ कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बिन डन इन दिस। तो आपने देखा यहाँ पर यूनिट्स ऑफ UTI, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या म्यूचुअल फ़ंड के भी आ गए, और म्यूचुअल फ़ंड की दूसरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आ गई जो किसी और स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड हैं, वो भी यहाँ पर कवर हो रही हैं फॉर 80C। सिमिलरली पेंशन फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी कवर हो रहे हैं यहाँ पे, और उसमें एक मेन नाम आ रहा है UTI का। UTI की स्कीम है रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड, तो ये इसमें अगर कंट्रीब्यूट किया है वो भी 80C के लिए जाएगा। देन इज नेशनल हाउसिंग बैंक का पेंशन फंड। तो अगर इस पेंशन फंड की डिपॉजिट स्कीम में कंट्रीब्यूशन की गई है, स्पेशल नाम है यहाँ पर स्कीम का, जिस स्कीम का नाम है जिसमें पैसे डाल सकते हैं, दैट इज़ होम लोन अकाउंट, तो उसमें अगर अमाउंट डिपॉजिट किया है तो इन दैट केस ऑल्सो दैट विल बी एलिजिबल फॉर 80C। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज वी हैव टू गो फॉर द प्रोविडेंट फंड्स और द LIC स्कीम्स ओनली, देयर इज़ अनदर ऑप्शन अवेलेबल, डिपॉजिट स्कीम ऑफ, किसकी डिपॉजिट स्कीम। अब यहाँ पर देखें, वी आर गिवन विद ऑप्शंस, तो ये और है, पहले में लिखा है पब्लिक सेक्टर कंपनी की किसी डिपॉजिट स्कीम में डाल लें, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या कर रही होगी, दैट विल बी प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंड्स,
फाइनेंस फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेस। किस पर्पस के लिए? रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। कहाँ? इन इंडिया। इसी तरह से डिपॉजिट स्कीम किसी स्टैचुटरी अथॉरिटी की हो सकती है, सो वो स्टैचुटरी अथॉरिटी जो फॉर्म्ड है उसका पर्पस क्या था? अगेन नीड ऑफ हाउसिंग अकोमोडेशन को पूरा करना या प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, जैसे हमारे यहाँ पर पूडा हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, तो वो इसी तरह से जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ की कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। मेन थिंग इज़ we will be finding this word quite often, that is notified by central government, means kisi bhi scheme mein whenever we put a fund investment and that too for ATC purpose, this has to be checked whether it is notified or not. Then tuition fee pay kar rahe hain bachchon ki padhai ke liye, koi donation nahi, koi aur paisa nahi, sirf tuition fee wala paisa। कहाँ पे कर रहे हैं? इंडिया में ही, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। कितने बच्चों के लिए? ये फुल टाइम एजुकेशन ऑफ टू चिल्ड्रन, तो दो मेन वर्ड आपको याद रखने हैं, ट्यूशन फी एंड टू चिल्ड्रन। देन इज़ लोन लिया था, किस पर्पस के लिए लोन लिया था? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो जब आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, किसकी? इंस्टॉलमेंट की। तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, देखो इसका जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 में आ जाता है अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हेड, वहाँ डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन ये जो पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, जो हमने प्रिंसिपल सम पे कर रहे हैं वहाँ पर, रीपेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की, उसकी डिडक्शन की बात कर रहे हैं कि उसका जो अमाउंट हमने पे किया है दैट इज़ कवरिंग ओवर हेयर अंडर ATC। देन वी गो टू द नेक्स्ट वन, यू कैन इवन सब्सक्राइब टू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। किसके? पब्लिक कंपनी के। ये पब्लिक कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं या ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो इक्विटी शेयर्स हैं, ये उनके एलिजिबल इशू का हिस्सा होने चाहिए। एलिजिबल इशू का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, मींस एन इशू विच इज़ मेड बाय पब्लिक कंपनी। कौन सी? जो फॉर्म हुई है इंडिया में, रजिस्टर हुई है इंडिया में, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनकी इंटायर प्रोसीड्स, यानी कि इस इशू के सारे जो पैसे इस इशू से आ रहे हैं, वो जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये याद रखना, द इंटायर प्रोसीड्स ऑफ द इशू किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये हमारी कैटेगरीज दी हुई हैं, उन कैटेगरीज को आपने मार्क कर लेना है, ये कैटेगरीज मेंशन करनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ ईदर डेवलपिंग, मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जिसमें कि रोड, ब्रिजेस, ये सब आ जाती हैं। देन प्रोवाइडिंग बेसिक और सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये जो हमारी मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज वगैरह हैं ना, रिलायंस और ये वो, जिस तरह एयरटेल, ऑल दीज सर्विसेज। देन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं या इकोनॉमिक जोन हैं। देन जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो पावर की जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि दीज आर द एस्पेक्ट्स विच आर गिवन इन रिलेशन टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। अगर इनके इक्विटी शेयर्स जो आपने एलिजिबल इशू वाले सब्सक्राइब किए हैं, डिबेंचर्स सब्सक्राइब किए हैं, दैट विल ऑल्सो गो फॉर ATC। देन इज़ अनदर वन, दैट इज़ सब्सक्रिप्शन टू एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, अगेन इफ़ दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑन NSE 8th इशू एंड 9th इशू। और ये 22nd पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि हमने किसी बैंक में FD बनाई और उस FD का पीरियड लेस देन 5 ईयर्स नहीं है, इट इज़ नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स और मोर है ना, एंड अगेन इट इज़ नोटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ ATC, सो इन दैट केस दैट विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर दिस सेक्शन डिडक्शन। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ बॉन्ड्स, अब वो बॉन्ड्स किसने इशू किए हैं? नबार्ड ने, तो ये नेशनल बैंक ऑफ बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड हैं। देन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम है। देन सीनियर सिटीजन स्कीम, सेविंग स्कीम में पैसा डाला है, सुकन्या समृद्धि में पैसा डाला है, या ये 27th, देखिए ये 27th जो है ये भी इफेक्ट फ्रॉम हमारे ही असेसमेंट ईयर से स्टार्ट हुआ है, ये 2021 से, दैट इज़ एनी इन्वेस्टमेंट बाय एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो Tier 2 ऑफ द पेंशन स्कीम, ये जो पेंशन स्कीम आगे ATCCD में आएगी, एंड इट इज़ फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए अगर वो उस
टायर टू में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दैट अमाउंट विल कम ओवर हेयर. सो इट इज़ रिटन इफ द एम्प्लॉय डिपॉजिट्स मोर देन 10% ऑफ सैलरी देन द एक्सेस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन सेपरेट अकाउंट और इस अकाउंट को हम टायर टू अकाउंट कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल ऑफ ETC और ETC की आपको बता दी कि इन सब में जो जितना मर्जी पैसा अलग अलग करके डालो इकट्ठा एक में डाल दो बट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन मैक्सिमम 150,000 ही मिलना है. अब एक मज़े की बात ये है कि जस्ट लेट मी चेंज पेज. ATCCC कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड्स, ATCCD कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. देन ATCCE ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक मेन चीज़ पढ़ने वाली है वो ये है ATC में पैसा डाल दो. देखो ATCCE में डाल दो, पेंशन फंड्स में डाल दो, CCD में डाल दो, यानी कि इन तीनों के ऊपर इकट्ठी एक अम्ब्रेला डिडक्शन की लिमिट लगा दी है कि तीनों में पेंशन फंड्स में भी डालते हो और ATC की एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स में भी डालते हो, CCD में कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे जैसे मर्जी करो बट जब भी तुम्हारा वो अमाउंट है वो इकट्ठा 150,000 से एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन 150,000 ही मिलेगी. बट हेयर इज़ समथिंग सेपरेट, डिडक्शन 50,000 रुपये की एक एक्स्ट्रा मिलेगी आपको अंडर सेक्शन CCD 1B. ये इट इज़ इन एडिशन टू दिस 150,000 रुपीज़. तो इसके अलावा ये डिडक्शन मिल सकती है ATCCD 1B में. और ACCD 1B क्या कह रहा है वो ऊपर पढ़ते हैं, इसी पेज पे ऊपर दिया हुआ है. हेयर इट इज़ रिटन ATCCD 1B इज़ गिवन ओवर हेयर सेक्शन. The same thing is written. You can have a look over here. ये जो pension schemes हैं ना बेटा इस section की वो कौन सी हैं, यहाँ पर आप नाम आपको दिख रहा है, it is Atal Pension Yojana. They are talking about this scheme of the central government, Atal Pension Yojana. So this is of the first lecture. इसको एक बार read करना है आपने ये सारा till this page. And you have to go ahead with this deductions. Then we'll continue in the next lecture. That's it.